अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं हूँ जाय मसूद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जाय के व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों वीरू मेरा नाम इधर आया हुआ है, वीरू ये देखें दोस्तों, इसकी आवाज़ है कितनी प्यारी है, माशाल्लाह से कितना प्यारा बोल रहा है। अभी दोस्तों मैं कबूतर को भी बाल खोल देता हूँ। दोस्तों कबूतर को मैंने बाल खोल दिया है। इनमें से दोस्तों तकरीबन मैंने दो कबूतरों के पर काटा था, बाकी का नहीं काटा था। अभी दोस्तों सारे कबूतर जो है ना बाहर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास 6 अंडे पड़े हैं, अंडों पर नहीं बिठाऊंगा, तो कल को अगर दोस्तों 3-4 दिन बाद ना मुर्गी ना कोड़ों से अगर हट गए ना, मेरे पास जो 6 अंडे पड़े ना ये ज़ाय हो जाएंगे। इस वजह से दोस्तों मैं ना सोच रहा हूँ कि ना इधर जो मुर्गी बैठी है ना असील मुर्गी, इसको ना अंडों पर बिठा देता हूँ आज इंशाल्लाह। ये सारे दोस्तों कबूतर बाहर आ गए, इनको ना मैं यहाँ पर बाजरा भी डाल देता हूँ। आओ 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 दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाजरा डाल दिया है। अभी सारे कबूतर बाजरा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दिल भर भी दोस्तों बाहर आ गया है, लेकिन दोस्तों मुर्गी बाहर नहीं आएगी। मुर्गी दोस्तों एक ही जगह पे बैठी रहेगी। मुर्गी चाहती है कि मुझे ना अंडे दो और मैं अंडे के ऊपर बैठना चाहती हूँ, बच्चे निकालना चाहती हूँ। अब ये मुर्गी ना बच्चे देने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं ना अभी भी अंडे को उठाता हूँ और इसकी मुर्गी की जगह बना के अंडों पर बैठा देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। बच्चे अंडे बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह पाक का नाम लेके अंडे रख दूँगा, ठीक है, जगह बनाता हूँ। उसके बाद दोस्तों उसको बिठा दूँगा अंडों पर। तो मुर्गी को दोस्तों बिठाना कहाँ है ये भी अभी डिसाइड करना है मुझे। कहाँ बिठाऊँ दोस्तों, ये भी अभी मुझे डिसाइड करना है दोस्तों। सोच लूँ क्या करूँ। ये देखिए दोस्तों मुर्गी बैठी है, कूड़ों को चुकी है, कहती है कि मुझे जल्दी से अंडे दो। ये देखें दोस्तों मुर्गी कूड़ों को चुकी है पूरी तरह से। मुर्गी को ना अपने रूम में ही ले जाता हूँ, ठीक है, उधर ही सेफ रहेगी दोस्तों, मेरे साथ ही बैठा करेगी, ठीक है। जब भूख लगेगी उसी टाइम उसको खिला पिला लिया करूँगा, ठीक है। ऐसे ही करता हूँ दोस्तों, इसको ना रूम में ले जाता हूँ, पहले ना इसके ना अंडे वहाँ पे सेट करता हूँ और फिर मुर्गी को ले आते हैं और उसके अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। इस वाले बॉक्स के अंदर ना वीरू को मैं बिठाता हूँ, रात को इसी के अंदर सोता है। लेकिन दोस्तों ये जगह जो है ना मुर्गी के लिए बेस्ट है, इसके अंदर ना आराम सुकून से बैठ जाएगी। अब दोस्तों अंडे ले आते हैं, अंडे को भी इधर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुर्गी इसके अंदर देखते हैं खुद बैठती है या नहीं बैठती। फिर ना जैसे मुर्गी जैसे इसके अंदर बैठ जाएगी ना, तो फिर जो है ना उसको ना रूम में रख दूंगा, ठीक है। घास वगैरह रखा हुआ है, ये कपड़ा भी इसके अंदर बिछा देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैंने इसके अंदर कपड़ा बिछा दिया है। अभी मैं जाता हूँ अंडे लेने, अंडे को ना तो इसके अंदर रख देता हूँ और फिर मुर्गी को इसके अंदर बिठा देंगे, ठीक है। अभी दोस्तों अंडे उठाते हैं और मुर्गी को बिठाते हैं इसके अंदर। दोस्तों इस बोरी के अंदर ना अंडे हैं, तो अंडे भी रख दूंगा, इसके अंदर जो भूरा है ना वो भी रख दूंगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये कपड़ा बाद में बिछाऊंगा, ये भी डाल देता हूँ इसके अंदर। अब इसके ऊपर कपड़ा बिछा देता हूँ। इस भी लहर मन में पड़ गया दोस्तों, ये सारे अंडे रख देता हूँ। 3, 4, 5 और 6 दोस्तों इस मुर्गी को ना अंडे पे बिठाता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। दोस्तों फाइनली मुर्गी ना अंडे पर बैठ गई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों, मुर्गी ना अंडों पर बैठ गई है। अब इस मुर्गी को ना रूम में रखता हूँ, यहाँ से ऊपर दोस्तों बंद भी कर दूंगा, आराम से उससे दोस्तों इसके अंदर बैठी रहेगी। आज से दोस्तों इसका पहला दिन शुरू हो गया है, ठीक 21 दिन के बाद दोस्तों ये बच्चे दे देगी इंशाल्लाह। और इसको उठाते हैं रखाते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मैंने ना मुर्गी को इसके अंदर बिठा दिया है, इसको ना रखाते हैं इसकी जगह पे, फिर ना उधर बैठेगी आराम सुकून से और इसको इधर बैठे बैठे इसको खिला पिला करूँगा, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, मुर्गी को मैंने ना यहाँ बैठा दिया है, ये बैठी है दोस्तों, यहाँ से ऊपर से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर बैठेगी, खुश बैठेगी, ठीक है ना, बच्चे जो है ना आराम से उसे देती रहेगी। फाइनली दोस्तों मुर्गी को ना अंडों पर बिठा दिया है। 6 अंडे हैं, लेकिन दोस्तों कोई नहीं क्या कर सकते हैं, 3 अंडे तो इसके टूट गए, बाकी दोस्तों 6 अंडे पड़े हैं। दुआ करें दोस्तों 6 के 6 बच्चे निकले हैं। अंडों पर बिठा दिया है तो बस 21 दिन के बाद खुशखबरी देगी, प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बेबी आएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। अब दिलबर को भी इधर बंद कर देता हूँ, दिलबर अब अकेला रहेगा पूरे 21 दिन दोस्तों, दिलबर जो है ना मुर्गी से दूर रहेगा। सारे कबूतरों को भी बंद कर देता हूँ, फ्री 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 फ्री
खड़ी खड़ी। सारे कबूतरों को दोस्तों मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, इनका मैं बाजरा यहाँ पे रख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा बाजरा रख दिया है, अभी सारे कबूतर जाएंगे और बाजरा खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये बच्चा देखें दोस्तों माशाल्लाह से बड़ा होता जा रहा है, इनके भी बच्चे आ जाएंगे और उसके भी बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से दोस्तों बंद कर देता हूँ। रोचों को दोस्तों मैंने घास दे दिया है, ये बाहर खेलेंगे इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। घास में इनको खोलूँगा, पहली बार देखते हैं ये कैसे इंजॉय करते हैं। जब से ये आया ना इसी पिंजरे के अंदर, इनको मैंने बाहर कभी नहीं खोला, बंद करते हैं। और दोस्तों इस वीरू को भी ले जाते हैं रूम में, आ जाओ। और दोस्तों ये भी ले जाता हूँ, ये भी काम आएगा। इधर बैठे रहो। ये भी जो पिंजरा पड़ा है ना इसको उठा के रूम में रख देता हूँ, फिर रूम में ना वीरू इसी के अंदर बैठा करेगा, ठीक है। वीरू अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया है ना, तो अब बॉक्स के लायक का नहीं है, बॉक्स से बाहर रहना पसंद करता है, तो इसके अंदर बैठा रहेगा। इस पिंजरे को ना दोस्तों साफ सुथरा बना के उस रूम में रख देता हूँ। दोस्तों ये मैंने ना नीचे गत्ता बिछाया है, उस गत्ते के ऊपर ना ये कपड़ा बिछा दिया है। अब दोस्तों इस पिंजरे को रूम में ले जाता हूँ और इसके अंदर वीरू को बिठा दूँगा। पहले दोस्तों वीरू डब्बे के अंदर रहता था, अब डब्बे के अंदर मैंने मुर्गी को बिठा दिया है, तो अब इस पिंजरे के अंदर वीरू को बिठा दूँगा, ठीक है। तो अभी इसको रूम में ले जाता हूँ। ये दोस्तों मैंने नज़र सेट कर दिया पिंजरे को, आ जाओ। दोस्तों मैंने इधर बाजरा भी रख दिया और ये पानी भी रख दिया, आराम से सब वीरू इधर बैठा करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अब दोस्तों दिल पर अकेला हो गया है।